दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा जलंधर के साइंदा स्कूल ग्राउंड में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन शुरू हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य आत्मिक जागृति के माध्यम से विश्व शांति और आध्यात्मिकता का प्रसार करना है। तो वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ पूजन और यजमानों द्वारा आरती के साथ हुआ। मुख्य यजमानों में ध्रुव मित्तल, शिव मित्तल, राजन अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, वरिंदर मलिक, सोना मलिक, अरुण कुमार और दीपिका शामिल रहे। इनके अलावा राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल, पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत, मंत्री श्री निवासलू, गौतम कुकरेचा, जेसी अरोड़ा, दिनेश शर्मा, विजय धीमान, लकी रहेजा और ब्रिगेडियर सुनील कुमार जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और आरती की रस्म अदा की। वहीं कार्यक्रम का समापन साध्वी पल्लवी भारती, साध्वी शशि भारती और साध्वी कमल भारती द्वारा श्रद्धालुओं का धन्यवाद ज्ञापन और प्रभु की आरती के साथ हुआ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज जो कथा का पंडाल लगाया गया, श्री कृष्ण जी का दरबार लगाया गया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक और जो भजनों का प्रवाह चला, जो कथा व्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी ने अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से प्रसंग का वाचन किया, वो मानव हृदयों को झकझोर देने वाला था। और उन्होंने यही प्रेरणा दी, भगवान श्री कृष्ण जी का कर्म एक लीला है, उसके पीछे गूढ़ रहस्य छिपे हैं और हमें उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करना चाहिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो अभी कार्यक्रम और भी चलेगा, 23 नवम्बर तक चलेगा। तो आप सभी शहरवासी जो भी इस न्यूज चैनल के माध्यम से हमें देख व सुन पा रहे हैं, आप जरूर अपने परिवारों को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर जरूर पहुंचिए, आपका हार्दिक स्वागत रहेगा। जय गोविंद, जय गोपाल। मित्र बंधन है, बड़ा पुनीत संबंध है जिससे आगे गृहस्थी बनती है, फिर समाज बनता है, फिर एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होता है। और ये लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति का नहीं है, हम क्यों अपना रहे हैं? और बड़े सारे युवा कहते हैं कृष्ण राधा भी तो ऐसे थे। श्री कृष्ण जब उन्होंने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका पर उठाया ना, वो 7 साल के बच्चे थे, मथुरा छोड़ी तो 11 वर्ष के थे, उससे पहले ही रास कर ली थी। एक छोटे से बच्चे के लिए आप ऐसी वासनात्मक दृष्टिकोण रखेंगे? वो तो बालक है श्री कृष्ण, और राधा उनसे बड़ी है आयु में। पुराणों को उठाकर देखिए, पुराण इसका प्रमाण है, राधा जी उनकी भक्त है। लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, कोई उनका भौतिक संबंध नहीं है, वो तो आत्मा का संबंध है, वो आत्मा की बात है, भक्ति और भगवान की बात। आप क्या लिव इन रिलेशनशिप उन भगवान के साथ जोड़ रहे हैं और एक बस लॉजिक देकर अपने आप को सेटिस्फाइड करने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं है। इसलिए ये डिजिटल रिश्तों से हमें बचना है। और असली रिश्ता किसका है? कृष्ण कन्हैया का रिश्ता है। वो पति लोक ब्रह्म लोक के स्वामी, यानी कि वो ईश्वर, वो कृष्ण कन्हैया है। अगर उनसे जुड़ जाएंगे ना, उनका कीर्तन करेंगे, उनकी भक्ति को प्राप्त करेंगे, तो आपकी गृहस्थी शांत होगी, आपका क्रोध भी शांत होगा, आपके अंदर भी बहुत सारे गुणों का जन्म होने लग जाएगा, वो धैर्य आने लग जाएगा। इसलिए अपने कृष्ण कन्हैया से संबंध जोड़िए। जिन जपया हरि नाम नारायण तिन की